राम लक्ष्मण ने तो पहन लिए, लेकिन क्या हुआ जब सीता जी को भी चिथड़े पहनवाना चाहती थी कैकेयी। समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला, समय के आगे झुकना पड़ेगा, चाहे हो तू बलवाला। कहा तो राजकुमार पद पर अभिषेक की तैयारियां चल रही थी और कन्हा श्रीराम जी को वल्कल धारण कर वन में जाना पड़ा था। कर्म के लेखों से तो विधाता भी नहीं बच पाता है, तो हम कैसे बचे। कैकेयी की शर्त के अनुसार राम जी को वनवास के दौरान रेशमी वस्त्र त्याग कर वस्त्रों के चिथड़े धारण करने थे। इस दौरान वो किसी भी महल में नहीं जा सकते थे और नहीं फलाहार के अलावा कुछ स्वादिष्ट ही ग्रहण कर सकते थे। वो सशस्त्र ले जा सकते थे और पैरों में खड़ाव पहन सकते थे। राम जी के पीछे पीछे लक्ष्मण ने भी यही सब धारण किया, लेकिन लक्ष्मण को महल या नगर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। ये और अन्न खाना उनके लिए स्वैच्छिक था। लेकिन सीता जी भी जब उनके साथ जाने को तैयार हुई तो कैकेयी ने सीता जी को रेशमी वस्त्र त्याग कर वल्कल धारण करने और सभी आभूषण भी त्यागने की बात कही थी। जाने तब क्या हुआ, ऐसा के संभव नहीं हुआ। तब लक्ष्मण जी ने जो किया वो स्वैच्छिक था, लेकिन सीता जी को भी ऐसा करना पड़ेगा। ये कह जब कैकेयी सीता जी को भी वल्कल पहनवाने लगी तो मूर्छित हुए दशरथ खड़े हो गए और उन्होंने कैकेयी को बहुत खोटे वचन सुनाए। उन्होंने कहा कि सीता राज घराने की बहू है, वो वल्कन पहनने के योग्य नहीं है। ऋषि वशिष्ठ और दशरथ जी के सारथी सुरथ जी ने भी अनेकों अनेक तर्कों से कैकेयी की निंदा की और उसे धमकाया, तब जाकर वो चुप रही। तब दशरथ जी ने सीता को संपूर्ण आभूषणों से सजाने का आदेश दिया था ताकि वो गहने वनवास में काम आ सके, और जाते हुए को उनको सीता जी की बहुत से वेश रथ में रख कर विदा किया था। गौर हो कि राम जी न तो किष्किंधा नगरी में ही गए थे और न ही विभीषण के राज्याभिषेक पर ही वो लंका में गए थे, उन्होंने दोनों ही मौकों पर लक्ष्मण को भेजा था। हमारा मानना है कि राम जी के सामने जो शर्तें रखी गई थी इससे कम ही लोग वाकिफ होंगे। जय श्री राम। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर हाँ तो शेयर करें और कृपया कमेंट करें ये वीडियो। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।